नमस्कार दोस्तों, आज मेरी वीडियो के दौरान जानिए कि मोर पंख आपके घर में लगाना क्यों जरूरी है। वैसे तो मोर पंख मंगल कार्यों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जब भी आपके घर में कोई मंगल कार्य हो रहा हो तो उसमें मोर पंख लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक माना जाता है। मोर पंख में वैसे मोर और सांप दोनों ही एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। यदि आपको राहु और केतु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप मोर पंख इस्तेमाल कर सकते हैं। राहु केतु आपको नहीं सताएंगे। यदि आपके मनी पर यानी कि आपकी बचत पर कोई भी नियंत्रण नहीं है तो आप चाहते हैं कि आपकी बचत पर नियंत्रण आ जाए, आप मोर पंखों अपने पर्स में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो आमदनी है वह बचत खाते में हो जाएगी। यदि आपके घर में बच्चा है और छोटा बच्चा होने की वजह से बहुत ज्यादा जिद्दी भी है, हमेशा हटी करता रहता है, क्या किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो वह पीछा नहीं छोड़ता, तो उसके लिए आप जहाँ बच्चा रहता है उसके पंखे पर मोर पंख लगा दीजिए। जब भी पंखा चलेगा उस मोर की पंखी हवा भी उस बच्चे को लगेगी, जिससे कि बच्चा हटी नहीं रहेगा। मोर पंख को वैसे घर में हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आपके कीड़े मकोड़ों की ज्यादा डर रहता है या फिर छिपकली आपके घर में बहुत ज्यादा है तो आप छिपकली को अपने घर के बाहर रखने के लिए मोर का पंखा इस्तेमाल कर सकते हैं। वह आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। यदि बिच्छू या फिर सांप वगैरह का भी डर रहता है तो उसके लिए भी आप मोर पंखा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोर पंख आपकी जिंदगी को और भी ज्यादा सुखमय बना देती है। यदि आप अपनी मैरिड लाइफ को भी लेकर परेशान हैं तो मोर पंखा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंखों लगा दीजिए, या फिर दीवार पर लगा सकते हैं, या फिर किसी भी जगह पर लगा सकते हैं जहाँ से आपको प्रवेश करते ही उस दीवार पर नजर आए, जिससे कि आपको शादी जितनी जल्दी होने की भी है वह जल्दी ही आपको कोई ना कोई प्रस्ताव मिल जाए। तो ये है मोर पंख लगाने के फायदे। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।